फ्रेंड्स, चेहरे पर तिल का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर चेहरे के ऊपर जरूरत से ज्यादा तिल हो जाए तो वो बहुत ही बद्दे लगते हैं। इसीलिए अगर आपके चेहरे पर भी जरूरत से ज्यादा तिल है तो उन्हें हटाने के लिए आप काफी जद्दोजहद करते होंगे। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे घरेलू उपयोग करके भी आप अपने चेहरे के तिलों को दूर कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है सेब का सिरका। अगर आपके चेहरे पर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पर जरूरत से ज्यादा तिल हैं तो उन्हें हटाने के लिए आप सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते समय अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लें और उसके बाद सेब के सिरके से अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए और ओवरनाइट यानी कि रात भर इसे ऐसे ही रहने दीजिए। सुबह उठकर अपने चेहरे को साफ पानी से साफ कर लीजिए। अगर आप इस प्रक्रिया को प्रतिदिन करेंगे तो पहले तो आपके तिल धुंधले होंगे और उसके बाद जड़ से खत्म हो जाएंगे। नंबर 2 है लहसुन का पेस्ट। तिलों को जड़ से खत्म करने के लिए आप लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 से 2 लहसुन की कलियों को अच्छे तरीके से कूट कर उसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर तिल वाली जगह पर रख दीजिए और उसके ऊपर किसी चीज को चिपका कर उसे ओवरनाइट ऐसे ही रहने दीजिए। इस प्रक्रिया को अगर आप लगातार करेंगे तो आपके तिल धुंधले पड़ने शुरू हो जाएंगे। टिप नंबर 3 है प्याज का रस और नमक। प्याज का रस हमारे बालों और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए प्याज के रस और नमक का इस्तेमाल करके भी आप अपने चेहरे के अनचाहे तिलों को अपने आप से दूर कर सकते हैं। एक प्याज को अच्छे तरीके से छील कर उसे अच्छे तरीके से पेस्ट बना लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए। अब इस रस के अंदर चुटकी भर नमक मिलाइए और अपने चेहरे पर जिस हिस्से पर ज्यादा तिल है उस पर लगा लीजिए। आप इसे ओवरनाइट रात भर ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप चाहें तो आप इस प्रक्रिया को एक दिन के अंदर सुविधा अनुसार 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफी फायदा मिलेगा। नंबर 4 है केले का छिलका। अनचाहे तिलों से निजात पाने के लिए केले का छिलका भी काफी सहायक होता है। केले के छिलके को अंदरूनी भाग से अपने तिल पर रगड़ने से भी वे तिल हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। टिप नंबर 5 है स्ट्रॉबेरी। तिल हटाने के लिए स्ट्रॉबेरी एक अच्छा उपाय है। रात को सोने से पहले स्ट्रॉबेरी का एक छोटा सा टुकड़ा काटिए और उसे अपने तिल पर रख लीजिए और उसके बाद उसे बैंडेड या फिर चोट पे लगाने वाले प्लास्टर की मदद से चिपका लीजिए। उसे रात भर ऐसे ही रहने दीजिए और सुबह उठकर हटा लीजिए। अगर आप इस प्रक्रिया को महीने भर तक दोहराएंगे तो आपका तिल धीरे धीरे हल्का पड़ के गायब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे से अनचाहे तिलों को दूर कर सकते हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए।